भारतीय किसान यूनियन टिकैत का डेजिनेशन आज थाना अकराबाद के पिलखना में आया है। इनके देखिए तमाम जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष और खास तौर से इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी आज आए थे और परिवार से मिले और परिवार को ठाठस बनाने का काम किया। साथ ही साथ इन्होंने एक मांग भी की है कि मृतकों के परिवार को 50 लाख रुपए की राशि दे सरकार। तमाम देखिए किसान नेता हमारे साथ में मौजूद है, आइए इनसे बात करेंगे। लेकिन बाबा को लेकर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात बताएं कि 122 मौतें सामने आ चुकी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना पोस्टमार्टम कराए अपने परिजनों को अपने साथ में ले गए और उन्होंने अपने घर में जाकर वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया। यानी कि जिस तरीके से 2 जुलाई को एक बड़ा आयोजन किया गया था, सूरज पाल उर्फ कतित नारायण शाकाहारी उर्फ भोले बाबा, जिस तरीके से वहाँ भगदड़ मची, भगदड़ में 122 ऑफिशियल मौतें सामने आई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उनको ये आज भी विश्वास था कि अगर हम बॉडी घर पर ले जाएं तो, क्योंकि उन लोगों ने बाबा को परमात्मा का दर्जा भी दे रखा था कि वो जिंदे हो जाएंगे, लेकिन वो अपने अपने कर्तव्य पर ले गए और उन्होंने वहाँ उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। यानी कि एक बड़ी घटना, देश को हिला देने वाली घटना है, पूरा किसान का डेजिग्नेशन आया है। तमाम लोग हैं हमारे साथ में, बात करेंगे। और एक और बात, जो आयोजक का मेन आरोपी था देव प्रकाश मधुकर, जो कि 1 लाख का इनामिया था, वो उसको सहित पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बताया ये भी गया था कि बाबा मोबाइल नहीं रखते, लेकिन बाबा की जो कॉल डिटेल है, यानी कि देव प्रकाश मधुकर जो मेन आरोपी था, उसने घटना हो जाने के बाद बाबा से बात की है, इसका पुलिस के पास रिकॉर्ड भी है। तो आइए किसान नेता के जानेंगे उनकी जुबानी इस घटना को लेकर, वो आखिर क्या समझते हैं, क्या आरोपी बाबा के खिलाफ FIR में नाम क्यों नहीं है, ऐसे आयोजनों पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, और बाबा के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये किसान नेता है, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस घटना को लेके? जी क्या कहेंगे इसको? मैं सुंदर बालियान, जिला अध्यक्ष अलीगढ़, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। हमारा कहना है कि सबसे बड़ा दोषी बाबा है। जब इतनी मौतें हुई, प्रोग्राम बाबा के इशारे पर हुआ, तो बाबा आज तक अलग है, FIR में नाम नहीं, FIR में नाम होना चाहिए, और सबसे पहले दोषी बाबा है हमारी निगाह में। कल भी अखबार में हमारा स्टेटमेंट था, आज भी कह रहे हैं, और चौधरी साहब तो बड़ी बात कह रहे हैं, हम तो उनके सिपाही हैं, इनको बाबा को जरूर सजा मिलनी चाहिए, संपत्ति की जाँच होनी चाहिए, कितने कहाँ एक सिपाही पर कहाँ से इतनी आ गई, कहाँ से ये जो छोटी छोटी बेटी वहाँ नचाता था उसकी जाँच होनी चाहिए, इनके इनके सब जांच होनी चाहिए, ये कहाँ से आया। बाबा को आप क्या मानते हैं? बाबा की पाखंडी है, बाबा का माने, बाबा ये माने कि बाबा पाखंडी है। बाबा के यहाँ पे जितने भी बाबा के आश्रम हैं, वहाँ नल लगे हुए हैं लाइन से, और वो इन लोगों के मुकाम ने माने, क्योंकि उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष पे लगातार जा रही हैं कि नल का पानी पीने से मरे तो जिंदा हो जाते हैं, और उसके साथ में जो भी रोग दोष हैं वो सब सही हो जाते हैं। इसको लेके क्या करेंगे, क्या 21वीं सदी में ये अंधविश्वास कहेंगे, आस्था कहेंगे, इसको लेके क्या मानती है किसान यूनियन? ये अंधविश्वास है और ये धोखेबाज जालबाज, जैसे राम रहीम रहे, रामपाल रहे, आज आसाराम बापू जेल काट रहे हैं, तो इसकी भी जेल होनी चाहिए। FIR में नाम, सरकार बचा रही, वो सरकार बचा रही है, वो सरकार की मेहरबानी है, और सरकार, हम तो प्रशासन पर आप लोग कह रहे हैं, हमारे चौधरी साहब जहाँ 80,000 थे वहाँ 2.5 लाख है, और किसकी व्यवस्था, कितने सिपाही थे वहाँ, किस, जब फोर्स वापे, फौज वापे, 3 तरह की आर्मी वापे, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अफजल के गिरा दिए, वाके गिरा दिए, अगर ये बाबा है तो बाबा की भी जांच, और इनके जो जो बिल्डोजर इनके आश्रम पर भी जो अवैध हैं उन पर चलना चाहिए। मतलब बाबा का बिल्डोजर बाबा पे चलना चाहिए? बाबा का है, बाबा का ढोगी बाबा कह रहे हैं, जो जाने 125 मौतें वाके आज तक आगे नहीं आया, जब तो भगवान चक्र लेके भगवान मानते थे, अब वो कहाँ है, अपना इलाज जामुन से करवा रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये टीवी कह रहा है, वो आदमी जो भगवान बचा, वो अपना इलाज BP का और जामुन से करवा रहा है, क्योंकि वो अपराधी है, पहले भी छिन रहे का अपराधी, उसमें छेड़छाड़ में गया है, उसी में सस्पेंड गया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। एक सिपाही पर इतनी कहां से संपत्ति आ गई, नोएडा में आप ही लोग बता रहे हैं सब जगह, तो हमारा कहना है उसकी जांच होनी चाहिए और उसको जेल जाना चाहिए। क्या ऐसे आयोजनों पर रोक नहीं लगनी चाहिए? नहीं, रोक तो धर्म की चीज़ है, हम नहीं कहेंगे भाई इनकी, लेकिन देखिए धर्म की चीज़ एक उस तरीके से मान सकते हैं, अंधविश्वास फैला के क्या धर्म स्थापना ये जायज समझती है किसान? ये गलत है, ये हम जालसाज पहले भी कह रहे हैं, धोखेबाजी है, जालसाज है,
हम हिंद धर्म हैं, एक सेकंड हमारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैंने को धर्म है हमारा, लेकिन जाल साजों के चक्कर में न पड़ें, अरे अपने काम करें। जो आदमी फिर वहीं लौट के आऊँगा, जो एक सिपाही था जो जेल गया नाम बदल के बाबा हो गया, आज 123 घर उजर गए, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। मदकर और सुंदर बालियानों पलाने ये तो उसके चेले हैं, असली जड़ तो हमारी नज़र में तो बाबा है। बाबा को बाबा की जांच होनी चाहिए, जितनी संपत्ति है जांच होके उसके आश्रम पर अवैध बिल्डोजर चलने चाहिए, हमारा क्या ना? आप क्या मानते हैं कि बाबा के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए? बाबा के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, बाबा जेल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और ये क्या मानते हैं जिस तरीके से चमत्कार या अंधविश्वास? ये सब अंधविश्वास है दादा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बाबा के खिलाफ FIR होनी चाहिए, बाबा जेल जाना चाहिए, क्या मानते हैं जिला? बाबा दोषी है, अगर बाबा दोषी नहीं होता तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता 10 लाख रुपये की मांग बाबा से की है, 40 लाख रुपये की मांग प्रशासन से की है, दोनों दोषी हैं, दोनों को मिलकर इन परिवारों का जो डेथ हुई है, जो मृत्यु हुई है, जिनका नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई के लिए 50-50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को बाबा को मिलकर दोनों को देना चाहिए, ताकि इनके परिवार की इनके बच्चों का लालन पालन सही हिसाब से हो सके। ऐसे आयोजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे आयोजनों के बारे में यह है कि कई प्रांतों में ऐसा कानून है अंधविश्वास पर, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, और शायद है कि हमारे राज्य सरकार मठाधीश हैं महाराज, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनको अंधविश्वास में अंकुश लगाना चाहिए। क्या आप क्या मानते हैं? जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे, आज राकेश टिकैत जी भी आए, आपने देखी लोगों से आपने बात की, तो क्या मानते हैं इस तरीके के आयोजनों पर रोकने चाहिए? बाबा का नाम आप फिक्र FIR में क्यों नहीं है, इसको लेके क्या मानती है किसान यूनियन? ऐसे इनसे बड़े बड़े तो बहुत पाखंडी ढोंगी हैं, पहले उन्हें रोक लें। सरकार बढ़ावा दे रही है, क्यों दे रही है? धीरेन्द्र शास्त्री क्या है वो, क्यों उसको बढ़ावा दिया जाता है? क्यों वो कहता है कि हनुमान जी सब कुछ ठीक करेंगे, वो हमारी जनता के लिए तो जनता को तो हनुमान जी ठीक करेंगे, और उसको वायुसेना की सुरक्षा किस लिए? वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता क्या भाई? ये धार्मिक जो आस्थाओं, ये हिंदुस्तान धार्मिक आस्थाओं का देश है, यहाँ ये चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ उन महात्माओं को, साधु संतों को भी थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि पाखंड ज़्यादा ना फैलाएं, जो उनके बस का है उसे करते रहें। 122 मौतों को लेकर क्या सोचती है किसान? हादसा है, बाबा के खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए। आपके तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनका बाबा जेल जाना चाहिए, आप उपाध्यक्ष हैं, आप मना कर रहे हैं कि FIR नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मैं नहीं हूं, नाम क्या? विजय तालन। विजय भाई, आपके अभी जिलाध्यक्ष आप बोल रहे हैं, देखिए आपकी ही बात कर रहा हूँ, खास तौर से किसानों की राय ले रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि जेल जाना चाहिए, बाबा दोषी है, आप मना कर रहे हैं कि हादसा है, बाबा दोषी नहीं है, ऐसा क्यों मानते हैं? एक तरफ आप प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप बाबा को दोषी नहीं मानने, फिर कैसे रहेगा? अरे जब अच्छा एक बात बताइए, किसी के यहाँ हत्या भी हो जाती है तो हम लोग जाते हैं ना, वहाँ हम संवेदना व्यक्त करने जाते हैं ना, उस परिवार की तो दुनिया उजड़ी है ना, जनसंख्या पर दोषी किसको माने? हादसा है, दोषी नहीं को मानता हूँ, सरकार को मानता हूँ मैं तो दोषी। सरकार ने इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी भीड़ आने के लिए वो उसे रोका क्यों नहीं? फिर नहीं रोका तो इंतजाम क्यों नहीं किया? करने चाहिए थे। बाबा की एक अपनी आर्मी है वहाँ, ना तो किसी को मोबाइल ले जाने की परमिशन, ना पुलिस फोर्स को अंदर जाने की परमिशन, इस चीज का भी काम करते हैं आप। सरकार कर क्या रही है, वही तो मेरा सवाल है कि बाबा ने अपनी आर्मी बना ली, सरकार क्या कर रही है, फिर उस आर्मी, हमारी आर्मी क्या करेगी? देखिए तमाम, मैं आपको तस्वीर एक बार दिखाऊं कि अभी राकेश टिकैत जी थे, ये यहाँ से आज जो परिवार के लोग हैं वहाँ से टाटस बना के निकले हैं, तो अभी मेरी कुछ किसान यूनियन से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि बाबा दोषी है, बाबा को जेल जाना चाहिए, ऐसे आयोजनों पर रोक लगनी चाहिए। सबकी अब अपनी राय है, आयोजकों पर रोक कैसे लगा दोगे? जब सरकार का एजेंडा धार्मिक है तो रोक कौन लगाओगा? सरकार का एजेंडा धार्मिक है, जिस राजा के राज में रहना है तो जो राजा की पॉलिसी होगी उसी पर तो करना पड़ेगा। तो इस तो आप सिर्फ मुआवजे की मांग करेंगे? मुआवजा है और इसमें कुछ नहीं हो सकता। मुआवजा, भीड़ बढ़ेगी, हादसे हुए, हादसे कैसे रुके, उसको कंट्रोल प्रशासन करे, अगर परमिशन। एक आप कानून की भी बात किए थे, कानून का एक आता कि रिलीफ फंड, धार्मिक रिलीफ फंड देश में बढ़ना चाहिए, सरकार इसी एजेंडे पर तो चल रही भाई, इनको धार्मिक बना के इनकी जमीन छीन देंगी सब, ये तो धार्मिक रहेंगे, जनता को तो वहाँ कर दो,
उससे दूर हटाओ इसको सिस्टम से, पढ़ाई से, इससे, एजुकेशन से, उससे, इनको गरीब बनाओ, धार्मिक बनाओ, गरीब बनाओ। भाई राहुल गांधी ने एक ही चीज़ तो कह दी, उससे शब्द हेरा फेरी नहीं करी गई, उसने हिंदू शब्द का इस्तेमाल करा। उसने कहा कि 2014 का बना हुआ हिंदू वो झगड़े करवाता है, वो बीजेपी का आरएसएस की तरफ उसका होता है। बीजेपी के द्वारा तो तमाम राहुल गांधी का प्रोटेस्ट किया गया था, पुतले बोले हिंदुओं को गाली दी है, हिंदू किसी को गाली नहीं दी उसने, उसने कोई हिंदू को गाली नहीं दी, उसने नाग नौरंगिया हिंदू के बारे में उसने कहा। नौरंगिया हिंदू से मतलब नहीं हिंदू है, एक है नौरंगिया हिंदू, एक है भारतीय हिंदू। नौरंगिया हिंदू से क्या कहेंगे आप, कौन से हिंदू आप बताओ, आप नागपुरिया हो या आप मैं सिर्फ भारतीय हूँ, मेरी नागरिकता भारतीय है, मैं हिंदू हूँ। नौरंगिया से मतलब मैं वही तो पूछना चाह रहा था भाई, जो नए एफिलेटेड हिंदू है उनसे, मतलब जो कन्वर्ट हुए, कन्वर्ट हुए, जो कन्वर्ट कौन कौन हो रहे हैं ना, कन्वर्ट जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे काम करता है। अच्छा, वो नौरंगिया हिंदू, वो नौरंगिया हिंदू है। राहुल गांधी ने नौरंगिया के बारे में बात करी थी, सब हिंदू वो नहीं होता, हिंदू तो धार्मिक हैं भाई। जिस एजेंडे पे बाबा काम कर रहा, ये तो सरकार का एजेंडा है, जो यहाँ के मंदिरों को उसको काम करना चाहिए था, उस एजेंडे पे बाबा काम कर रहा। ये तो जिस समाज से बाबा हैं वो समाज तो बुद्धिज्म की तरफ जा रहा, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो समाज तो बुद्धिज्म की तरफ जा रहा। उसने कम से कम उस समाज को रोक रखा है, उसको तो सम्मानित करना चाहिए बाबा को, बाबा को। अंधविश्वास की तरफ भी जा रहा है, अंधविश्वास तो जब सरकार फैला रही है तो बाप बार क्या करें, सरकार का एजेंडा है उस पर वे काम कर रहे हैं, हिंदुत्व की तरफ काम कर रहे थे, जो आप, सरकार का एजेंडा है। आप कहना चाह रहे हैं कि बाबा हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहा है और सरकार इन लोगों को भेज रही है कि आप जाइए बाबा के प्रवचन सुनिए, वहाँ भगदड़ हो जाएगी। और ऐसा है ना, ऐसा नहीं कोई कहता कि भगदड़ हो जाएगी, ना सरकार कहता ना कोई अधिकारी कहता, एक हादसा है वो, उसको एक हादसा मान लो। और उसी के लिए हमने कहा कि एक धार्मिक रिलीफ फंड देश में बनना चाहिए। अगर ये हिंदुत्व की बात करते हैं तो एक रिलीफ फंड बना दो ना, लोग यात्राएं करेंगे, हादसा होगा तो उसको मुआवजा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। देखिए ये तमाम आज भारतीय किसान, उनका पूरा डेजिनेशन आज पिलखना में आया था, और ख़ास तौर से राकेश टिकैत जी से मैंने बात की तो इन्होंने हिंदू की काफ़ी परिभाषा आज हमको बताई, नौरंगिया हिंदू के बारे में बताया, लेकिन नौरंगिया से इनका जवाब सीधा मंदिरों और धार्मिक निष्ठा को लेकर निशाना साधा था कि जिस तरीके से बीजेपी चल रही है। कुछ भारतीय हिंदू के बारे में भी बात की गई, तो कहीं ना कहीं ये सब मामला सामने निकल के आया। अब हालांकि इनके द्वारा ये बात की गई है और उसमें यही कहा गया है कि अब जो सरकार को एक नया कानून बनाना चाहिए, रिलीफ फंड बनाना चाहिए, जिसको लेके जितने भी अनुष्ठान में अगर ऐसे कोई आयोजक होते हैं, हालांकि इस मामले को उन्होंने पूरा हादसा करार दिया है, वहीं जो दूसरे लोग हैं यानी कि जो बीजेपी के जो लोग हैं तो वो बीजेपी के, मतलब माफ़ कीजिएगा, जो भारतीय किसान यूनियन के और भी लोग हैं उन्होंने बाबा को दोषी माना, लेकिन राकेश टिकैत बाबा को दोषी नहीं मान रहे, वो महज एक सिर्फ हादसा बता रहे। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर बाबा पे कार्रवाई कब और किस तरीके होगी। मैं सोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।